दोस्तों, सोनू सूद को आज कौन नहीं जानता होगा। एक तरफ जहां बॉलीवुड के बाकी कलाकार ड्रग्स का धुआं उड़ाने में व्यस्त थे, तो वहीं दूसरी तरफ सोनू सूद गरीब मजदूरों की मदद कर रहे थे। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। बीते कुछ महीनों में लोगों को उनके घर पहुंचाने से लेकर जरूरत का सामान मुहैया कराने तक सोनू सूद हर तरीके से लोगों की मदद के लिए आगे रहे हैं। लेकिन आज दोस्तों हम बात करेंगे सोनू सूद की उस मदद के बारे में, जिसके बाद अब हर एक बच्चा सोनू सूद का नाम गा रहा है। दोस्तों, सोनू ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर हरियाणा के मोरनी में मोबाइल टावर लगवाया है, ताकि बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस में कोई रुकावट ना आए। ट्विटर पर लोगों की परेशानियां सुनने वाले सोनू सूद से एक शख्स ने मदद के लिए गुहार लगाई कि हरियाणा के पंचकूला जिले में मोरनी के बच्चों को मोबाइल सिग्नल के लिए पेड़ों पर चढ़ना पड़ रहा है। सोनू सूद ने मदद का भरोसा देते हुए कहा था कि एक हफ्ते के अंदर उनके गांव में मोबाइल टावर होगा। सोनू सूद ने यूजर को जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा कि अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए अब और पेड़ों पर नहीं चढ़ना होगा, आपके गांव को इस हफ्ते अपना खुद का मोबाइल टावर मिल जाएगा। दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस से सोनू सूद ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उन्हें अच्छे भविष्य का बराबर हक मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह की चुनौतियां किसी को भी बेहतर बनने से नहीं रोकनी चाहिए। ये मेरी खुशनसीबी है कि इस दूर दराज गाँव में बच्चों की मदद के लिए मुझे टावर लगाने का सम्मान मिला, उन्हें अब मोबाइल सिग्नल के लिए पेड़ों पर नहीं चढ़ना होगा। दोस्तों, सोनू सूद सोशल मीडिया के जरिए लगातार लोगों की मदद को आगे आ रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक परिवार को ट्रैक्टर गिफ्ट किया था। वहीं लॉकडाउन में भी सोनू ने कई प्रवासी मजदूरों को उनके घर पर पहुंचाया था। मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सूद ने बस से लेकर प्लेन तक का इंतजाम कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों, सोनू सूद ने एक किसान परिवार को अनमोल तोहफा देकर मदद की। दरअसल दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक किसान अपनी दो बेटियों के साथ खेत जोत रहा था। पैसों की कमी के चलते उसकी बेटियां बैल की जगह काम कर रही हैं। लड़कियों की मेहनत को देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता था। इस वीडियो को साझा करते हुए एक शख्स ने इस गरीब किसान के लिए सोनू सूद से मदद की गुहार लगाई। सोनू सूद ने शख्स की गुहार को ध्यान में रखते हुए ट्विटर पर कहा, कल सुबह से दो बैल इसके खेत जोतेंगे, किसान हमारे देश का गौरव है, इन बच्चियों को पढ़ने दो। जिसके बाद अब सोनू सूद ने किसान परिवार को मदद के तौर पर बैल न देकर नया ट्रैक्टर दे दिया है। न्यूज एजेंसी ANI ने भी इस बात की जानकारी दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि एजेंसी के अनुसार वायरल वीडियो में दो लड़कियों को अपने कंधे पर हल रखकर जोतते हुए देखकर आंध्र प्रदेश के इस किसान परिवार को अभिनेता सोनू सूद ने ट्रैक्टर मुहैया कराया है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि इससे पहले सोनू सूद माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी के परिवार की भी मदद करने के लिए आगे आए थे। दरअसल दोस्तों, कोरोना काल के दौरान आम लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार की मदद के लिए आगे आए थे। दरअसल पिछले दिनों माउंटेन मैन मांझी के परिवार में बदहाली की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। खबर में परिवार के तंग हाली का जिक्र किया गया था। इस खबर को किसी ने ट्वीट कर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को टैग कर परिवार के मदद की गुहार लगाई थी, जिस पर सोनू सूद ने बड़े ही शानदार तरीके से जवाब दिया और कहा कि आज से तंगी खत्म, आज ही हो जाएगा भाई। दोस्तों, सोनू सूद जैसे दानवीर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।